हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 टाइड्स इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर अ चेन बाय मैचिंग द फॉलोइंग। ए बी सी ग्रुप दिया है, इनको हमें मैच करना है। तो आप ये देख लो, इस तरह आप अपने बुक में लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2, गिव ज्योग्राफिकल रीजन। फर्स्ट, टाइड्स आर इन्फ्लुएंस मोर बाय द मून देन द सन। इसके लिए आप ध्यान से लिखेंगे। टू, एट सम प्लेसेस अलॉन्ग द कोस्ट द लो लाइनिंग एरिया टर्न इन टू लगून और मार्शी लैंड्स। इसका आंसर ये है। थर्ड, प्लेस लोकेटेड ऑन द अपोजिट मेरिडियन टू द प्लेस एक्सपीरियंसिंग हाई और लो टाइड विल ऑल्सो एक्सपीरियंस हाई और लो टाइड रेस्पेक्टिवली। इसका आंसर आप ये लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इन ब्रीफ। फर्स्ट, इफ देर इज हाई टाइड एट 7 AM, फाइंड द टाइमिंग ऑफ द नेक्स्ट हाई एंड लो टाइड ऑन द सेम डे एट अ गिवन प्लेस। इसके लिए आप आंसर लिखिए। सेकेंड, इफ ए मुंबई 73 E मेरिडियन देर इज अ हाई टाइड एट 1 PM ऑन थर्सडे, देन ऑन विच ऑफ द मेरिडियन विल देर बी हाई टाइड टू, स्टेट विद रीजन। इसका आंसर ये है। थर्ड, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द जनरेशन ऑफ वेव्स। ये आंसर लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट वे विल द फॉलोइंग डिपेंड ऑन द टाइड्स। स्विमिंग, स्टीयरिंग अ शिप, फिशिंग, सॉल्ट पैन, गोइंग टू कोस्टल एरिया फॉर ट्रिप्स। ये पांचों पॉइंट को मैं साथ में एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, ये लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व फिगर 3.8 ऑफ नीप टाइड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये फिगर को ऑब्जर्व करना है हमें और इस पर आंसर्स लिखने हैं। तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों के आंसर्स साथ में बता रही हूँ, ये लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड। ये आंसर लिखेंगे आप। सेकेंड, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ टाइड। ये आंसर आपको पेज नंबर 12 पे मिलेगा। आप यहाँ देख लो, इफेक्ट ऑफ टाइड, ये दिखाई दे रहा है पैराग्राफ, ये पॉइंट लिखना है आपको, ये वन, और इसी पेज में बाजू में आके ऊपर जाते हैं, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 6 पॉइंट है, पॉजिटिव इफेक्ट है ये ऑफ टाइड्स, ठीक है। और नीचे की जो 2 पॉइंट है, ये नेगेटिव इफेक्ट्स है, ठीक है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।